थे। सुनो स्वामी, हमारा तीन दिन पर विवाह हो गए। हमारा ये वैवाहिक जीवन में हमर एक ठन जो है आड़ा है वो है समय के। आपके भक्तवन भुला थे, आप चले जत हो, निश्चित आप भोला हो। आप ऐसे करो ना, अगर राखर भभूर के लग गया के काम ला कोई ना सौंप देते हो, ये जिम्मेदारी ला कोनो ला दे देते हो, ये बढ़िया रदिस कहेंगा सियारा। भोलेनाथ कहते ठीक है देवी, ठीक है, मैं तो मनोकामना तो इच्छा ला जरूर पूरा करूँ। और हमारे शादी पर विवाह हो ना, मैं जितना भी मोर समय रही वो तोला दू कहेंगा सियाराम। ठीक है देवी, मैं हाँ जो राखर भभूर ला अपन हाथ में चुपरत हो ना, वही राखर भभूर से एक जन प्राणी ला प्रगट करूँ, वही ला मैं जिम्मेदारी दू, वही ला मैं जवाबदारी दू कहेंगा सियाराम। सिया राम के गा भैया हम मिला लगे है सिया राम के। सिया राम के गो भैया मिला लगे है सिया राम के। सिया राम पार्वती के बात ला मान के आज अपन हाथ गोड़ में जो राखर भभूत ला चुपरत रथे वही बेला मदाई हो। बाबा भोलेनाथ वो भभूत से एक जन प्राणी ला प्रगट करते कहन गा सियाराम। जैसे प्राणी हादाई प्रगट होते ओहा बाबा भोलेनाथ आते और कहते बेटा उठ, बेटा उठ, जाग रे बेटा जाग, कह के ओला सुखर ढंगली उठावा थे कहन गा सियाराम। जैसे दाई वो प्राणी उठते भोलेनाथ ला देखते ओकर चरण में गिर के कहते प्रणाम भोलेनाथ, प्रणाम कहते कहन गा सियाराम। भोलेनाथ कहते खुशी रह बेटा, जियत रह, उठ बेटा उठ, ऐसे ढल के वो प्राणी ला समझावा थे बतावा थे कहन गा सियाराम। वो जो प्राणी रथे दाई हो वो आज बाबा भोलेनाथ ला पूछते हे भोलेनाथ का हो गए मोर से का काम है ये दुनिया मा, मोला काबर तय हला हस्ते ला मोला बता दे कहन गा सियाराम। ओ प्राणी के दाई हो बात ला सुन के भोलेनाथ कथे ए बेटा मैं तोला एक ठन जिम्मेदारी सौंपू, एक जवाबदारी तोला दूं। बेटा तय है ना मोर बर, आज कोई भी शमशान घाट ले होए, काकरो घर दुवारी ले होए, कोई भी जंगल झाड़ी ले होए, ते मोर बर राखर भभूत ला लाए के काम ला करबे बेटा, ओकर जुगाल ला तू ही चला करेला पड़ी कहेंगा सियाराम। प्राणी कथे ठीक है भोलेनाथ तोरा गया मंजूर है, लेकिन मोला बता मैं काम ला तो कर हूं ना, तो मोर नाम है ना मोर कोई काम है ना मोर कोई गांव है कहने का सियाराम। भोलेनाथ कथे बेटा तो नाम पूछा था सुना, मैं जो नाम अपन अंग में राखर भभूत ला लगा रहे हो वही राखर भभूत से तोला पैदा करे हो ना, एकर वजह से मोर भस्म से तो पैदा हो, तो नाम ले आज बेटा भस्मासुर रखा दो कहेंगा सियाराम। आज दाई हो वो जो भस्मासुर रथे अपन नाम ल सुने के बाद बाबा भोलेनाथ के चरण में गिरते कथे बोला आशीर्वाद दे भोलेनाथ, मैं जावा था अपन चेला संगवारी माला पकड़ के अपन जम्मो चेला माला धर के जहूं राखर भभूत ला लाए के काम लग करूं कहेंगा सियाराम। दाई हो बाबा भोलेनाथ आशीर्वाद दे के धीरे धीरे अंतर ध्यान हुआ थे कहेंगा सियाराम। और भस्मासुर हदाई हो अपन चेला चंगुलिया माला चिल्ला थे कथे ए मेरे चेले हो जल्दी आओ जल्दी आओ, भोलेनाथ पर राखर भभूत लाए पर चल गो कहेंगा सियाराम। औ वृंदावन में जी मोरे भी दिन बिहारी रामा, औ वृंदावन में जी मोरे भी दिन बिहारी रामा, ये वरदारी मोहन
बात ला मान के आज भस्मासुर धीरे धीरे भस्म ला लाए बर अपन चेला संगुरा मन ला बुलावत है सकेला थे कहेंगा सियाराम जैसे भस्मासुर महाराज के बात ला दाई हो सुनते ओकर चेला मन दौड़ा दौड़ा ताते कथे महाराज प्रणाम महाराज जय सियाराम भस्मासुर कथे उठो कहां के रहो कहां चले गए हो अति जान के चिल्ला था तू मन मोला जवाब दे मोला जल्दी जल्दी बताओ कहेंगा सियाराम अपन महाराज के दाई हो बात ना सुन के चेला मन कथे महाराज ते हमने पूछा थस ना कहां रह गई के हमन करत रहन महाराज चिंता ता चिंता 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 ता बोले हे मूर्ख हो चिंता चिंता कहां के चिंता चिंता चलो चिंता फिकला छोड़ो बोला एक छन भोलेनाथ काम दे है वो काम लग करे बर मोर पीछू पीछू आओ जब वो चेला मल्ला दाई हुए नहन धर के भस्मासुर आज जंगल के मार्ग लग कैसे धीरे धीरे पकड़े हवे कहन सियाराम अब मोरे राम है दयालु दया कर ही राम अब भूला है भंडारी भला कर ही राम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय के जाप लगा थे कहन गाय सियाराम ओम नमः शिवाय के जवाब ल जैसे दाई हो भस्मासुर मन सुनते कथे बेटा जा तो रे कौन दूसरे ऋषि मुनि मन के आवाज आथे वो जगह में तुमन देख के आओ आज भस्मासुर के नाम ला ले लग छोड़ के ओमन है बाबा भोलेनाथ के नाम ला ले मत है जाओ पता करो कौन हरे कहां ले आए जाओ बेटा पता करो कई के अपन चेला मला भेजा थे कहेंगा सियाराम चेला मन दौड़ा दौड़ा ताथे दूसरे ऋषि मुनि मला देखते अब कथे यहाँ दे दूसरे ऋषि मुनि मन तप में बैठे है चलो रे भैया चलो महाराज में बताओ कहेंगा सियाराम दौड़ा दौड़ा ताई हो आज चेला मन जावा थे अब कथे महाराज महाराज दूसरे ऋषि मुनि जंगल में तपस्या करे थे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय आप लगा थे कहेंगा सियाराम भस्मासुर कहे ठीक है चलो आज उगर तपस्या ला भंग कर दो तब वो मल्ला मजा चाहिए अब वो मल्ला मजा चखा में हम मल्ला मजा ही कहेंगा सियाराम दौड़ा दौड़ा ताथे दाई हो भस्मासुर मन हा और जैन जगह में तो ऋषि मुनि मन बैठे है ना और ऋषि मुनि मन ला देखे और वही से ला तारा मारते करे दाई हो जैसे लतारा पर थे थर 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 कांपत कांपत कथे हे दुष्ट हो हे मूर्ख हो कौन हरत बना हमर तपस्या ला काबर कम भंग करे हो कहेंगा सियाराम आज दाई हो भस्मासुर कथे मैं भस्मासुर भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त राखन लाए बर निकले हन तू मन हा जंगल में ओकर नाम ला लेवत हो तुमन कौन हरो ऐसे ढंग ले पूछत है कहेंगा सियाराम ऋषि मुनि मन कथे बेटा हम मन शंकर भगवान के भक्त हरन अहू मन एक और ध्यान लगा रहे सुन बेटा भस्मासुर ते तो भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त हो कथस ना ये जंगल झाड़ी में का करत हस बेटा ते हमला बता कहेंगा सियाराम भस्मासुर कहे हे ऋषि मुनि हो मैं भस्मासुर एक काम है राखर लाना है भभूत लाना है वो जिम्मेदारी ला निभाए और मैं चले हवो कहेंगा सियाराम
ऋषि मुनि मन कथे ठीक है बेटा ठीक है, हमें नर तो लेके उपाय बता थन। भोलेनाथ लते हा वरदान मांगवे, कहाँ जंगल झाड़ी में यहाँ वहाँ घुमत हस भटकत हस बेटा। भोलेनाथ तो दीन दयालु हुए, वो तो जगत के पालन करता है, तोर मनोकामना तोर इच्छा ना जरूर पूरा कर ही कहेगा सिया राम। ऋषि मुनि मन के बात का सुनते दाई हो भस्मासुर बोले, हे ऋषि मुनि हो भोलेनाथ के तपस्या ठीक है ठीक है, अगर हमारे से कोनो गलती हो ही तो हम क्षमा दू ऋषि मुनि हो। ऐसे कह के ऋषि मुनि मन ला माफी करत है, अर्जी विनती करत है कहंगा सिया राम। ऋषि मुनि मन कथे बेटा जियत रहो खुशी रहो, जाओ जिन काम से निकले हो वो काम ले तुम सफल हो, और हमारा आशीर्वाद तुम्हारे जिंदगी भर लगे रही कहेंगा सिया राम। वैसे ढंग ने ऋषि मुनि मन हदाई हो, आज आशीर्वाद दे के धीरे धीरे अंतर ध्यान हो थे कहूंगा सियाराम। सियारामा बोलो रे भाई मोर, सियारामा बोलो हो राम, सियारामा बोलो रे भाई मोर, सियारामा बोलो हो राम। ओम नमः शिवाय। ऐसे ढंग रे सुघर जापला कैसे भस्मासुर करत है कहेंगा सियाराम। कैलाश पर्वत माता हो माता पार्वती बाबा भोलेनाथ देखत रहते, माता पार्वती कथे चलो स्वामी चलो, आज आपके भक्त आपला याद करते, न जाने ओला का काम पड़ गए, वो काया काबर याद करते तेला, ओकर जाके तीर में पूछना पड़ ही कहेंगा सियाराम। भोलेनाथ कथे ठीक है देवी ठीक है, चल चल आज भस्मासुर के मन में का इच्छा है का मनोकामना है, ये तो वही राजा के पूछ हो तभी तो पता चल ही कहेगा सियाराम। भस्मासुर के तीर मदाई हो आज बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती साक्षात, आज ओला दर्शन देवत है कहेगा सियाराम। कथे भोलेनाथ कथे बेटा उठ भस्मासुर उठ, का हो गए बेटा ते आज हम लकाबर जपत हस काबर याद करत हस, तय हम ला बता कहेंगा सियाराम। भोलेनाथ कही हे भोलेनाथ मैं भस्मासुर तोरे के ठन बादला मैं पतिया के रसिक पर काम करत हो, महूला वरदान चाहिए भोलेनाथ, महूला वरदान चाहिए कहेंगा सियाराम। भोलेनाथ कथे औ मांगी ले 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 रे तोरे झोली खाली भस्मासुर सुन थे ये तो मोला मंगेला कहा थे, ऐसे कही के भस्मासुर बोलते हे भोलेनाथ मोला वरदान दूँ कथस ना।
ठीक है, मैं वरदान मांगू तो मोर इच्छा जरूर पूरा हो ही ना। ऐसे ढंग ले आज भोलेनाथ ला पूछा थे कहन गाय सियाराम। भोलेनाथ सोचते और विचार थे और कथे बेटा भस्मासुर सिर तोन बाते, मैं एक के बार तोला जिम्मेदारी दे हो और वो जिम्मेदारी लेते है पूरा करे बर आज अपन संगी जहुरिया मसन निकल गए। ठीक है मोरो फर्ज बन थे बेटा, आज ऐसे करना ते वरदान झन मांग, मैं आज अपन इच्छा है मोर जो दिल में आज मनोकामना है आज मैं है तोला वो वरदान दू तोला स्वीकार करेला पर ही कहेंगा सियाराम। भस्मासुर कहे ठीक है भोलेनाथ मोला स्वीकार है जो वरदान देवे मोला राजी हूँ मैं स्वीकार करूँ कहेंगा सियाराम। भोलेनाथ कथे बेटा मैं एक कड़ा पहने हूँ वो कड़ा ला निकाल के तोला देत हूँ और याद रखबे ये कड़ा ला पहन के ते जेकर मुड़ी में हाथ ला रखबे ना वो ही जगह में भस्म हो जाही कहेंगा सियाराम। आज दाई हो बाबा भोलेनाथ जो कड़ा पहने रहते वो कड़ा ला निकाल के भस्मासुर ला सौंप थे और भस्मासुर ला कथे बेटा ध्यान रहे ये वरदान के तेह गलत दुरुपयोग गलत प्रयोग कभी मत करवे वह न जान थस बेटा जब जब दुनिया में अधर्म हो है जब जब ये दुनिया में अधर्म हो है ये जगह में कोई न कोई रूप में भगवान हा जरूर अवतरित हो है कहेगा सियाराम। भस्मासुर कहे ठीक है भोलेनाथ ठीक है चिंता फिकर झन करो मैं वरदान के कोलो गलत दुरुपयोग नहीं करो कहेंगा सियाराम। अब भोलेनाथ दाई हो आशीर्वाद दे के बाद में अंतर ध्यान हो जाते अवे डहन दाई हो भस्मासुर वरदान लपा के अत्याचारी मचावत है हाहाकार ला कैसे मचावत है कहेंगा सियाराम।